दोस्तों आज सस्ता घर एक बार फिर आप लोगों को लेके आ गया है राजपुर एक्सटेंशन में, और मैं आपको दिखाऊंगा राजपुर एक्सटेंशन की सारी डेवलपमेंट। दोस्तों 2012 में हमारी गवर्नमेंट की सोच थी कि राजपुर एक्सटेंशन का जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसको किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डेवलप किया जाए, और आज यहाँ पे 2023 में गवर्नमेंट के कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी हो चुके हैं दोस्तों, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, NIA के क्वार्टर, 1500 बेड का हॉस्पिटल। और दोस्तों मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये रोड है गौशाला रोड, जो कि छतरपुर से सीधा गौशाला की तरफ आती थी, लेकिन आज ये रोड कितनी तरीके से डेवलप हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पैन करके दिखाएंगे। तो ये रोड बहुत अच्छे तरीके से आज डेवलप हो रही है दोस्तों, और यही रोड सीधा आपको लेके जाती है इग्नू मेट्रो स्टेशन पे। और मेरे रोड के बैक साइड पे जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा कैंपस है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर स्टाफ क्वार्टर, 1500 बेड का हॉस्पिटल और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेवलप कर दी है दोस्तों, और कई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जिससे आने वाले टाइम में आपके घरों की फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। ये पूरा एरिया स्टूडेंट जोन होने वाला है, 10,000 बच्चा यहाँ पे पढ़ने वाला है, यहाँ की रेंटिंग वैल्यू बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने फ्लैट की तरफ, और मैं आपको दिखाता हुआ लेके चलता हूँ यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, NCIPM का रिसर्च सेंटर, NIA के क्वार्टर्स और एक पार्क, किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट फेस होनी है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के एंट्रेंस पे, मैं खड़ा हूँ इसके कॉमन पैसेज में। 300 गज की बिल्डिंग है दोस्तों, 100-100 यार्ड के एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, और इस पूरी बिल्डिंग में मात्र 2 ही फ्लैट अवेलेबल है दोस्तों हम आपको रेडी टू मूव इन में फ्लैट ज़्यादातर दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक बिल्डिंग रेडी टू मूव इन में आती है वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाती है, लेकिन ये बिल्डिंग रेडी टू मूव इन में आ चुकी है और अभी 2 फ्लैट अवेलेबल है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख पा रहे हैं ये लिफ्ट है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिफ्ट भी इसकी वर्किंग है प्रॉपर तरीके से, फ्लैट रेडी टू मूव इन में आ चुका है दोस्तों। ये स्टेयर्स है, रेलिंग का काम इसका चल रहा है, इन्होंने MS की इस पर रेलिंग लगाई है जिसपे इस पर डिको पेंट करेंगे। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट की एंट्रेंस पे, अगर मैं इसके एंट्री डोर की बात करूँ अप्रॉक्स 3.5 फुट बाय 8 फुट का आपको एंट्री डोर मिल जाता है दोस्तों। वीनियर का इन्होंने इस डोर पर यूज़ किया हुआ है, पॉलिशेबल ये डोर है, फ्लश डोर है, जितनी भी फिटिंग्स आपको मिलती हैं सारी इसमें ब्रांडेड मिल जाती हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं अपने इस ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के डायमेंशन 14.5 बाई 13 फुट का है, काफ़ी स्पेशियस आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। इस ड्राइंग डाइनिंग में आप अपना डाइनिंग एरिया अलग सेटअप कर सकते हैं और ड्राइंग एरिया अलग सेटअप कर सकते हैं। अगर बात करूँ फॉल सीलिंग की तो वर्टिकल कोव के साथ इन्होंने पैनल लाइट का इसकी फॉल सीलिंग में यूज़ किया हुआ है, फ़ैन, फिटिंग, फिक्सचर्स, स्विचेस, वायरिंग सब आपको इसमें ब्रांडेड मिल जाती है। इसी के साथ में आपको एक ओपन किचन मिल जाती है, किचन का साइज़ 8 बाई 9 है दोस्तों, काफ़ी स्पेशियस आपको किचन मिलती है, काफ़ी सारी ओवरहेड आपको स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ आपको चिमनी का स्पेस भी मिलता है, चिमनी का आउटर ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आपको चिमनी का आउटर स्पेस मिल जाता है। और ये जो शाफ्ट है आपकी, इसमें ओपनेबल विंडो मिलती है और ये विंडो आपकी शाफ्ट में ओपन होती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको इंस्टेंट गीजर मिल जाता है, RO लगाने का पूरा एरिया आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ा स्पेस देर का है, सारी जितनी भी टैप्स हैं आपको सेरा की मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। अगर बात करूँ काउंटर टॉप की तो काउंटर टॉप में इन्होंने ब्लैक कलर की ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, सेमी मॉड्यूलर आपको 3 BHK के साथ किचन मिलती है दोस्तों, बट काफ़ी स्पेशियस आपको किचन मिल जाती है दोस्तों। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों ये हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, ये इसका मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपको एक वॉशरूम मिल जाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ। अगर वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 4 फुट बाय 7 फुट का आपको ये पूरा वॉशरूम मिल जाता है, वॉल माउंटेड आपको इसमें सीट मिलती है, सारी फिटिंग्स आपको सेरा की मिल जाती है दोस्तों। मेरे लेफ्ट साइड पर आपको एक ओपन विंडो का भी स्पेस मिलता है जो कि शाफ्ट में ओपन होता है, इसके ऊपर इन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है जिससे कि आपको ये वॉशरूम भी काफ़ी वेंटिलेटेड हो जाएगा, टाइल्स टॉप तक टाइल्स लगी हुई हैं,
विट्रीफाइड ग्लॉसी सिरेमिक का टाइल का इन्होंने यूज़ किया हुआ है दोस्तों इसमें। और हम आ चुके हैं इस बेडरूम में। अगर मैं बेडरूम के डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 12 फुट बाय 10 फुट का आपको ये भी बेडरूम मिल जाता है, जो कि इस शाफ्ट से वेंटिलेटेड होता है। ये विंडो आपकी ओपन होती है शाफ्ट में, और ऊपर आपको विंडो एसी का प्रोविज़न दे रखा है जिसमें आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी शाफ्ट मिल जाती है दोस्तों, जिससे बेडरूम काफ़ी वेंटिलेटेड हो जाता है। फॉल सीलिंग वर्टिकल कोक के साथ पैनल लाइट का फॉल सीलिंग में यूज़ किया हुआ है। फैन फिटिंग फिक्स्चर सब आपको इसमें ब्रांडेड मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में, लेकिन बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको इसका कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। अब हम आ चुके हैं इसके कॉमन वॉशरूम में। अगर कॉमन वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रोक्स 6.5 फुट बाय 5 फुट का आपको ये भी वॉशरूम मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे तो गीज़र इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया हुआ है आपको। इसमें भी आपको सारी फिटिंग्स सेरा की मिल जाती हैं। वॉल माउंटेड सीट मिलती है। जितने भी आपके फिक्स्चर हैं सब ब्रांडेड मिल जाते हैं दोस्तों। यही आपका जो वॉशरूम है, ये आपका वॉशरूम इसके फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट है। इसमें भी आपको एक डोर मिल जाता है, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। आइए, इसके साथ ये भी आपको डोर मिलता है जो आपका इस कॉमन वॉशरूम से कनेक्ट होता है। ये वॉशरूम आपका कॉमन भी है और मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड भी है। अब हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम में दोस्तों। ये बेडरूम भी मास्टर है इस वॉशरूम की वजह से। इसका डायमेंशन जो है वो भी अप्रॉक्स 12 फुट बाय 12 फुट का आपको मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छा आपको बेडरूम मिल जाता है दोस्तों। बात करें इसकी फॉल सीलिंग की तो वर्टिकल कोक के साथ पैनल लाइट का इसकी फॉल सीलिंग में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड पर पूरा टीवी पैनल का स्पेस मिल जाता है आपको, और मेरे बैक राइट साइड पर आपको बेड का बैकरेस्ट मिल जाता है। और इसमें आपको दो अलमीरा मिलती हैं, एक तो आपकी वॉल के अंदर फिक्स है और एक ये आपकी मूवेबल अलमीरा है जिसका साइज अप्रॉक्स 3 फुट बाय 8 फुट का आपको मिलता है। ये मूवेबल अलमीरा है, आप कहीं भी अपने तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक ओपनेबल डोर मिलता है जो कि UPVC का है। इस पूरे फ्लैट में आपको जितनी भी आउटर विंडोज़ हैं वो सारी UPVC की मिलती हैं। साउंड और डस्ट प्रूफ जर्मन टेक्नोलॉजी पे ये विंडोज़ होती हैं UPVC की। एक आपको फिक्स विंडो ग्लास मिलता है, इसी के साथ ऊपर आपको एक AC लगाने का प्रोविज़न भी मिलता है विंडो AC का। और यही डोर आपका सीधा बैल्कनी में ओपन होता है, इसका एक्सेस आपका सीधा बैल्कनी से भी है। और इसकी बैल्कनी अप्रॉक्स 4 फुट बाय 20 फुट की मिलती है आपको। काफ़ी स्पेशियस आपको बैल्कनी मिल जाती है। राइट साइड पर आपको आपका वॉशिंग पॉइंट भी मिल जाता है, वॉशिंग एरिया इन्होंने पूरा बना रखा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे एक टैप दे रखा है, ये भी वर्किंग है। आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस आपको बैल्कनी मिलती है जिसपे इन्होंने MS की रेलिंग लगा रखी है। बीच में 8mm टफन ग्लास लगा रखा है जिसपे डीको पेंट हो रखा है ऑलरेडी। आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके थर्ड बेडरूम में दोस्तों। अब हम आ चुके हैं थर्ड बेडरूम में। अप्रॉक्स 10 फुट बाय 13 फुट का इसका भी साइज़ है। अच्छा साइज़ मिल जाता है आपको ये बेडरूम भी। इसके साथ आपको एक ओपनेबल अलमीरा मिल जाती है। अलमीरा का जो साइज़ है अप्रॉक्स 8.5 फुट बाय 2.5 फुट के करीब का है दोस्तों। बात करूँ इसके बेडरूम के फॉल सीलिंग की तो वर्टिकल कोक के साथ पैनल लाइट का इसमें भी फॉल सीलिंग में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसके साथ भी आपको एक ओपनेबल डोर मिलता है, जैसे बालकनी से हम अभी अपने बेडरूम में एंटर हुए हैं, और यहाँ पर आपको विंडो AC का प्रोविज़न मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फ्लैट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बार इस फ्लैट का रिकैप कर देता हूँ। 3 BHK की ये फ्लैट है। 3 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स, किचन, कॉमन टेरेस, पार्किंग के साथ आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। रेडी टू मूव इन फ्लैट है। सारी फैमिलीज ऑलमोस्ट यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। बात करूँ अगर डेली नीड्स के आइटम की, ग्रॉसरी शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाती हैं दोस्तों। कनेक्टिविटी वाइज आपके घर के पास ही आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, ई रिक्शाज मिल जाते हैं जो आपको इजीली आपको मेट्रो स्टेशन तक ले जाते हैं। अगर दिल्ली में कहीं भी जाना हो तो वहाँ के लिए आपके इजीली यहाँ पे कैब बुक हो जाती है, और आपको ऑटोज़ भी मिल जाते हैं और बसेस भी मिल जाती हैं दोस्तों। और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ की एप्रिसिएशन वैल्यू और रेंटिंग वैल्यू बहुत अच्छी होने वाली है। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों। बात करूँ अगर गवर्नमेंट से मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में तो IGL का गैस पाइपलाइन, दिल्ली जल बोर्ड का वाटर और BSES के मीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पे दोस्तों। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी प्राइसिंग, मात्र 60 लाख रुपए में आपको ये फ्लैट मिल जाता है। रजिस्ट्री का ये फ्लैट है, लोन आपको इजीली इस पर अवेलेबल हो जाता है।
जो फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं राजीव वर्मा फिर मिलूंगा एक नए फ्लैट के साथ एक नए सफर पे। धन्यवाद।